बुजुर्ग भी हो गए हुण भी बमबारी जोर ना हो रही है धक्का कर रही है सरकार साडे दा बातचीत हुई है किसी से कोई बिल्कुल ना बातचीत किसी से किसानों के ऊपर किसानों को गिरफ्तार करने के लिए देश की सत्ता जुल्म कर रही है हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर इस तरह के प्रहार बल प्रयोग किया जा रहा है जिस तरह से दुश्मन देख के नागरिक के ऊपर किया जाता है ऐसे लगता है पाकिस्तान अथवा चाइना का बॉर्डर हो। हम इस देश के नागरिक हैं जिसको अन्नदाता बोलते हैं मोदी सरकार और इस देश में रहने वाले हैं। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है पंजाबियों ने किसानों ने तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। देखिए अभी 5-6 की खबरें आ रही है उनके नामों की भी पुष्टि करता हूँ अभी पहले दिन ये सारी सिचुएशन से अभी दोबारा चर्चा कर सारे कुछ तो शामा दसागे थानू गल कर लें दो जत्थे वाले उसमें से बाहर का कोई लोग नहीं 101 ही लोग हम तो बोल रहे हैं भी बातचीत करिए। हमने कब से दरवाजे बंद किए हम तो अनुरोध कर रहे हैं मीडिया के थ्रू मोदी जी को भगवान जो वह समझते और वो वार्ता शुरू करेगा हमें दिल्ली जाने पंडेर जी क्या अब ये 100 लोग दिल्ली जाएंगे या अब यहीं पे रुकेंगे सरकार के उसका इंतजार करेंगे लेकिन जाने तो देंगे नहीं 100 लोग बेचारे क्या करेंगे बल प्रयोग का सामना कर रहे हैं वही हो रहा है जाने तो देंगे नहीं ये निर्णय सब कुछ हम लोग विचार विमर्श के बाद आपके सामने बात रखेंगे। डलेवाल साहब से बात हुई आपकी? हाँ डलेवाल साहब उधर अमर अनशन पर बैठे हैं अभी सूचना उनको भी हम लोग देते हैं यहाँ क्या हुआ है जी 5 से ज्यादा किसान हाँ देखिए हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे अब उनके नाम हम लोग करते हैं क्या कौन बोल रहा है किसान नेता सरवन सिंह पंडेर को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जाने तो देंगे नहीं जाएंगे कैसे। 101 किसानों का आज दिल्ली मार्च होना था लेकिन ऐसे में देखिए गतिरोध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त किसान और पुलिस जो है वो आमने सामने और शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों जगहों से ही जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। पुलिस ने भी इससे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पेपर स्प्रे जो है वो चलाया था जिससे बचने के लिए किसानों ने अपने मुंह को ढका था लेकिन अब देखिए किसान जो है वो भी उग्र हो गए हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कई किसान इस आपाधापी में घायल तक हुए हैं और इस